हेलो वेलकम टू मैग्नेटिक स्टडी क्रिएटिंग द वेज ऑफ क्रेकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो आज का ये नेक्स्ट लेक्चर है डायरेक्शन सेंस का तो डायरेक्शन सेंस में अब मैं इस लेक्चर में आपको वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो जे के एस एस बी एग्ज़ाम में ऑलरेडी आए हुए हैं मीनस कहाँ से कहाँ तक टू थाउजेंड ट्वेल्व से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चंस जे के एस एस बी के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे और ये किस एग्ज़ाम में आए हुए हैं तो या ध्यान रहे ये प्लस यानी कि ट्वेल्थ जिसका मैक्सिमम क्वालिफिकेशन ट्वेल्थ हो उसमें आए हुए हैं या जिसका ग्रेजुएशन हो और उसमें भी आए हुए हैं क्लियर ग्रेजुएट लेवल और ट्वेल्थ लेवल के क्वेश्चंस हैं यानी कि ऑलरेडी एस एस बी में आए हुए हैं और यही क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं और ध्यान रहे जिसने लेक्चर नंबर वन लेक्चर नंबर टू नहीं देखा लेक्चर नंबर इससे पहले जो लेक्चर्स मैंने दिए हैं वो लेक्चर जिसने नहीं देखे वो पहले होकर आए कम से कम जो फर्स्ट लेक्चर हैं वो जरूर देखें क्योंकि जितने भी ट्रिक्स मैंने लेक्चर नंबर वन में डिस्कस किए हैं वही ट्रिक्स यूज करके हम यहां पर खाली तीन या चार सेकेंड में एक क्वेश्चन का आंसर एक क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे क्लियर तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन पर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर वन जो है वो क्या है कि अ मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स अ मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है फेसिंग टूवर्ड्स एंड टर्न्स फोर्टी फाइव डिग्री क्लॉकवाइज टर्न्स फोर्टी फाइव डिग्री क्लॉकवाइज़ वाइज इन विच डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ देखो इज ही फेसिंग नाउ कितना ईजी है तो यह क्या चीज किस में आया है क्वेश्चन प्लस टू एग्जाम में यह प्लस थ्री लेवल एग्जाम का नहीं है प्लस टू लेवल का है क्लियर तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा तो आप लोगों को आइडिया मिला होगा कि किस तरह से इसका जो रिजल्ट है इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है क्लियर सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा आपको डायरेक्शन तो मैंने कहा आपका जो राइट right हैंड है वो है ईस्ट आपका जो लेफ्ट हैंड है वो है वेस्ट आपका जो फेसिंग डायरेक्शन है फिलहाल जिस तरह से आप बैठे हुए हो फेसिंग डायरेक्शन आपका रहेगा साउथ और नेक्स्ट डायरेक्शन आपकी रहेगी साउथ और वो रहेगा नॉर्थ फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ और जो आपके पीछे वो साउथ क्लियर अब इसने क्या कहा कि मैन इज फेसिंग टुवर्ड वेस्ट तो आप ये अलग से बनाओगे इसकी जो डायरेक्शन है वो ये है फेसिंग डायरेक्शन है वेस्ट क्लियर इन विच डायरेक्शन अच्छा फिर इसने क्या किया क्लाक वाइज रोटेशन ली क्लाक वाइज टर्न किया क्लाक वाइज मीनज मैंने कहा था जब इट क्लाक वाइज होगा दैट मीन्स नॉर्थ टू ईस्ट साउथ टू ईस्ट टू साउथ साउथ टू वेस्ट एंड वेस्ट टू नॉर्थ तो मतलब किस डायरेक्शन में ये रोटेट हुआ वेस्ट टू तो नॉर्थ तो वेस्ट से नॉर्थ चला लेकिन कितना चला 45 फाइव फोर्टी फाइव मीनस ये वाली डायरेक्शन याद करो लेक्चर नंबर वन में 45 और ये कौन सी डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट तो आपका रिजल्ट जो जो है आपका जो है आपका आंसर इस क्वेश्चन क्वेश्चन का दैट विल बी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्लियर तो इसी तरह नंबर टू पर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर टू क्या है ये भी आप प्लस टू लेवल का जो इससे पहले प्लस टू लेवल का पेपर है वहां से मैंने लिया है प्लस टू वाले पेपर से लिया है क्लियर तो क्या क्वेश्चन है गिनेश

तो पहली डायरेक्शन साउथ ईस्ट थी साउथ ईस्ट मीनस ये इसकी डायरेक्शन थी फर्स्ट अब 45 फाइव क्लाक वाइज घूमना है स, ट्रिक मैंने बता दी है क्लाक वाइज घूमना है क्योंकि क्लाक वाइज नाइनटी है ये 45 फाइव क्लाक वाइज घूमेंगे तो क्लाक वाइज घूमने के लिए हमें इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और कितना जाना पड़ेगा 45 डिग्री तो इनके बीच में 45 डिग्री एंगल होता है तो मीनस आपकी जो फाइनल डायरेक्शन होगी वो होगी इसकी जो फाइनल डायरेक्शन होगी वो होगी साउथ क्लियर तो ये इसका इस तरह से आप आंसर निकालोगे करने की जरूरत नहीं है बस 95, 90 नाइन्टी माइनस फोर्टी फाइव फोर्टी और 45 फाइव के इस डायरेक्शन में क्लाक वाइज डायरेक्शन में जाना है तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा खाली दो या तीन सेकंड में या चार सेकंड या मैक्सिमम पांच सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आई होप कि उसका आंसर आप खुद दोगे क्लियर उसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा तो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन क्या है ए मैन इज फेसिंग साउथ

पेपर में आया था तो इसमें आपको आंसर फाइंड आउट करना है आई होप कि इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा पांच सेकंड लगेंगे तो इसका रिजल्ट इसका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे तो इसके ऑप्शन आप लिखोगे यहां पर इसके ऑप्शन जो है वह है नॉर्थ ईस्ट ईस्ट साउथ एंड साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ईस्ट एंड साउथ चार ऑप्शन है चारों में से आपको एक चूज करना है आपको जो रिजल्ट निकलेगा उसी को आपको यहां पर कमेंट सेक्शन में इसको बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा क्लियर तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जीवन वॉज वॉकिंग इन साउथ डायरेक्शन आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टुक ए लेफ्ट टर्न अगेन आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टुक राइट टर्न विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ तो इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के जब मैंने बोला था कि इसमें भी आप ये ट्रिक यूज करोगे कौन सी ट्रिक यूज करोगे इसमें आप तो मैंने कहा था इसमें और कोई जानकारी नहीं दी है खाली लेफ्ट टर्न और राइट right टर्न लिखा है क्लियर थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रेवल की उसके बाद लेफ्ट टर्न तो इसमें इस क्वेश्चन में, इस में आप क्या ट्रिक करोगे यूज तो सबसे पहले आप देखोगे लेफ्ट टर्न तो right कितनी लिए तो लेफ्ट टर्न एक लिए राइट टर्न कितनी लिए तो राइट टर्न भी एक लिए तो लेफ्ट माइनस राइट जीरो मीनस इसकी जो इनिशियल पोजिशन है वो सेम रहेगी फाइनल पोजिशन भी डायरेक्शन इन इनविच इज फेसिंग नाउ तो अभी ये वॉक कर रहा था किस डायरेक्शन में साउथ डायरेक्शन में तो अगर ये साउथ डायरेक्शन में वॉक कर रहा था उसके बाद इसने क्या किया तो यही तो फाइनल डायरेक्शन भी रहेगी पहले मैं बता रहा हूँ यही फाइनल डायरेक्शन भी रहेगी साउथ डायरेक्शन अब इसी को किस तरह से देखेंगे हम हम ड्रा करेंगे यहाँ पर क्या चीज़ डायरेक्शन अगर आप डायरेक्शन ड्रा करोगे तो आपको फिर से यही डायरेक्शन मिलेगी ये नॉर्थ ये साउथ ये ईस्ट और ये वेस्ट क्लियर तो पहले क्या डायरेक्शन थी इसकी ये था इसका साउथ डायरेक्शन इस डायरेक्शन में चल रहा था उसके बाद इसने क्या किया ही टू के लेफ्ट टर्न इसने लेफ्ट टर्न लिया लेफ्ट टर्न या राइट right टर्न लेने का मतलब क्या है इसने 90 डिग्री एंगल से रोटेशन ली ये आप ध्यान रखोगे 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेने का मतलब राइट टर्न right लेने का मतलब होता है 90 डिग्री ध्यान रहे इस चीज को याद रखोगे आप अब इसने लेफ्ट टर्न ली पहले तो साउथ का लेफ्ट क्या है जब आप साउथ डायरेक्शन में चलोगे तो आपका लेफ्ट जो होगा वो होगा आपका ईस्ट और वेस्ट में आपका राइट right पड़ जाएगा तो जब इसने लेफ्ट टर्न ली तो मीन ये किस डायरेक्शन में अब चल रहा है ईस्ट की डायरेक्शन में उसके बाद इसने क्या किया अगेन आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस निकाल के इसने फिर राइट right टर्न ली तो राइट टर्न ईस्ट का राइट right जो होता है वो होता है साउथ और इसका जो राइट right होता है लेफ्ट जो होता है वो होता है नॉर्थ क्लियर जब ये राइट right टर्न लेगा तो फिर से ये अपनी ही डायरेक्शन में जाएगा जो पहले इसकी डायरेक्शन थी मीनस साउथ तो उस तरह से भी करोगे इस तरह से भी करोगे तो ज़्यादा से अगर इस तरह करोगे थोड़ा सा 10-15 सेकंड तो लगेंगे लेकिन अगर आप सीधे लेफ्ट टर्न और राइट टर्न देखोगे कितनी टर्नस है एक एक टर्न है कैंसिल करोगे तो जीरो मीनस जो इनिशियल डायरेक्शन है वही फाइनल डायरेक्शन तो ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा जस्ट फाइव सेकंड्स से या उससे भी कम टाइम लगेगा जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे तो खाली नजर क्वेश्चन को आप एक बार पढ़कर ही इसका आंसर पे सीधे इसके आंसर पे जाओगे या जो इसका ऑप्शन होगा वो आपको खुद ही बोलेगा कि भाई मैं हूं उधर इधर मत देखो मैं हूं आपका रिजल्ट क्लियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ देता हूँ आपको देखता हूँ वो क्वेश्चन आप कर पाओगे कि नहीं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है अभी मैंने कंप्लेक्स क्वेश्चन नहीं उठाए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है बस आप थोड़ा ध्यान रखोगे और उसका आंसर मुझे बताओगे तो क्वेश्चन क्या है इन अ फाइन मॉर्निंग इन अ फाइन मॉर्निंग रवि एंड सूर्या रवि एंड सूर्या वायर सिटिंग सिटिंग इन अ पार्क इन अ पार्क फेसिंग ईच अदर फेसिंग ईच अदर मैंने अभी मैंने इस पर क्वेश्चन अभी आपको नहीं दिखाया ये शेडो पर क्वेश्चन है तो फर्स्ट लेक्चर इसके लिए कंपलसरी है अगर आपको इसको करना है तो फर्स्ट लेक्चर आपको इसमें कंपलसरीली सुनना पड़ेगा फार्क फेसिंग ईच अदर रविज शेडो जो रवि की शेडो है वॉज फॉलिंग टू हिज लेफ्ट टू हिज लेफ्ट इसके लेफ्ट साइड में उसकी शड़ो पड़ रही है वट डायरेक्शन इज सूर्य फेसिंग अब सूर्य की डायरेक्शन बता रहा है रवि की डायरेक्शन नहीं बता रहा है बल्कि किसकी डायरेक्शन बता रहा है सूर्य की डायरेक्शन तो ऑप्शन में आपको दे रहा हूं यहां पर आपको इसके ऑप्शन भी बता रहा हूं मैं तो ऑप्शन इसका है ए साउथ ऑप्शन बी इसका है नॉर्थ ऑप्शन सी इसका है ईस्ट और ऑप्शन डी इसका है वेस्ट क्लियर तो दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में सबमिट करोगे क्लियर आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कंपलसरी लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी से कम्प्लेक्स पर जाएंगे थोड़ा सा कम्प्लेक्स तो ये भी ये जो क्वेश्चन है ये मैं बताना बोल गया कि ये भी प्लस थ्री लेवल का क्वेश्चन है ध्यान रहे प्लस थ्री लेवल का क्वेश्चन है इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने दिया लेफ्ट टर्न राइट टर्न वो भी प्लस थ्री लेवल का ही था तो जो मैंने प्लस टू लेवल का बता दिया वो प्लस टू लेवल और जो मैंने प्लस थ्री लेवल के बता दिया वो प्लस थ्री लेवल के और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैं कंप्लेक्स क्वेश्चन दिखाऊंगा एक दो उसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा जो साइनस टीचर जो टीचर जो जनरल टीचर के जो पेपर्स हुए थे जो एग्ज़ाम हुए थे कुछ साल पहले एक साल या दो साल एक साल पहले शायद तो उसमें जो क्वेश्चनज आए थे वो भी हम डिस्कस करेंगे बहुत ईजीली हम इस पर, उनको यहाँ पर कर लेंगे क्लियर तो फिलहाल आज के लिए इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसके आगे क्वेश्चनज़ धन्यवाद